बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज ही हम एक DIY करने लगे हैं गार्डन में, तो उसके लिए आपको बताते हैं एक डिस्प्ले बनाने वाले हैं। जो फ्लावर पॉट होते हैं वो हैंग करने के लिए। तो ये देखिए, इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो खड्डा खोद रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने खड्डा खोदना है, और ये इस तरह से हमने एक लकड़ी ली है, ठीक है, और इस तरह से ये टिम्बर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये कितना लंबा होएगा पता नहीं, काफ़ी लंबा है, 2.4 है ये, ठीक है। और यहाँ और क्या इसके साथ साथ चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से मिल जाते हैं हैंगिंग वाले, ठीक है। ये इस तरफ से जो हैं वो लकड़ी के साथ अटैच होंगे, और इस तरह से हमारा ये हैंगिंग टिप बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम प्लांट हैंग करेंगे, और ये इस तरह से नेल्स लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और यूं करके इसके ऊपर ये अटैच होंगे, ठीक है। और इधर अटैच कर लें ऐसे आप, मतलब कि इसके 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, तो आप चारों तरफ हैंग कर सकते हो। मतलब कि इधर हैंग कर लो एक आधा, ठीक है, इधर हैंग कर लो, फिर एक यहाँ पे हो जाएगा हैंग, दूसरी साइड पे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस तरह करके ना। तो ये हम करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ आपको दिखाते हैं कि ये भी शुरू किया है हमने, तो साथ साथ आपको दिखाते भी जाते हैं। आप चाहे तो इसको सीमेंट के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सीमेंट वाला नहीं करें, लगा के देखते हैं, फिर बाद में सीमेंट डाल के पक्का भी कर लेंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इसको सीमेंट के बगैर ही हम बस खड्डा खोद के तो उसमें डाल के इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं कि और क्या करना है इसके साथ। तो खड्डा हमने खोद लिया है, तो अब हम इसके ऊपर ये अटैच करेंगे और फिर इसको हम अंदर डालेंगे इसके। ये देखो इस तरह से, इसका आपने ध्यान रखना है इसकी रुख इस तरह से हो, नीचे की तरफ ना हो, क्योंकि इस तरह से हैंग करके नीचे की तरफ जाएंगे। आई थिंक वी नीड अ लिटल बिट लॉन्गर नेल, ये बहुत छोटे नेल थे तो वो उठाया है तो वो निकल गया, ठीक है। और ये इस तरह से लगा रहे हैं, ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब लंबे वाले नेल लगाए हैं तो लग गया, ठीक है। अब हमने जो है इसका देखना है कि कितना नीचे जाएगा, और फिर हम उसके हिसाब से नीचे दो ऐड करेंगे। सो फार इट्स लुक लाइक दिस, मतलब दो इस तरफ से हैं, ठीक है, और दो इस तरह से हैं, और नाउ वी पुटिंग लास्ट वन। तो ये इस तरह से है, तो ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट एक दूसरे के आपने करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है, एक्चुअली माय हस्बैंड नीड माय हेल्प, तो ये मैं कर लें तो फिर आपको फाइनल दिखाते हैं कि इस तरह से लग गए हैं सारे। नो इट्स लुक लाइक दिस सो फार। सो इसको हम ज़मीन में अभी उसको वो करेंगे सारा, ठीक है, और फिर आपको उसके बाद दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें ये सारा वो फिल करेंगे और ये हो जाएगा। तो जो भी आपने पोर्ट्स में प्लांट लगाने होते हैं उसके लिए आपको जो है वो सिर्फ प्रीमियम मिक्स नहीं डालना होता, उसके अंदर ये जो गोल्डन और गोल्डन आपको नज़र आ रहा है ये वाली वर्मी लाइट, ये वर्मी लाइट, ठीक है, ये मिक्स करना होता है, या फिर पर लाइट मिक्स करना होता है, ठीक है। इससे ये होता है वेल ड्रेन्ड रहते हैं आपके पॉट्स में, जो होता है पानी अंदर वो खड़ा नहीं रहता, ठीक है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है, ठीक है, और रूट्स जो हैं वो प्लांट की वो जो हैं वो पानी के अंदर स्टक नहीं रहती हैं, वरना वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी होता है डालना। तो हमने क्या किया, तकरीबन ये आधे से थोड़ी सी ज़्यादा पैकेट होगा, ठीक है, जो प्रीमियम पॉटिंग का, और उसके अंदर हमने एक पूरा पैकेट ये डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स हैं जो हमने लगाने हैं, और ये फुल सन वाले हैं जो वहाँ पे लगेंगे, वो जो भी हमने एक DIY हैंगर टाइप का बनाया उसके ऊपर लगाएंगे इसको। तो क्योंकि ये पॉट्स जो हैं ये छोटे हैं, ठीक है, और हमें कुछ अरसे बाद वैसे ही चेंज करने पड़ने थे पॉट, तो हमने सोचा कि हम अभी से इनको ये वाले बड़े जो पॉट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर इसको चेंज करके डाल के तो हम एक ही दफ़ा इनको वहाँ पे हैंग करते हैं, ठीक है।
तो ये देखें ये इस तरह से, तो इस तरह से आपने बनाना होता है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके, तो ये देखें ये इस तरह से ये पोटिंग मिक्स आपका बन जाता है। वैसे ही अगर आप रखेंगे तो वो उस तरह से आपके प्लांट्स की हेल्थ के लिए इतना बेटर नहीं होगा। तो जी आपने ये अटैच कैसे किया है, तो ये आपने ड्रिल के साथ सुराख कर लेने हैं, ठीक है। और आपको एक ये चाहिए, ये बनिंग से आपको इस तरह के मिल जाते हैं बहुत सारे टूल, ठीक है। प्लायर, इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है इसके साथ, और इस तरह से डालना है इसके अंदर। और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने इस तरह से तीन इसके अंदर आपने होल करने हैं, ठीक है, पॉट के अंदर। और इस तरह से करके इसको थोड़ा सा जूम करना है इस तरह से। और ये आपने इस तरह इनसाइड आपने बंद करना है, आउटसाइड बंद नहीं करना, ठीक है। तो लाइक दिस, और इसको फिर ऐसे ज़ोर से क्लोज कर देना। तो ये हो गया जी हमारा हैंगिंग रेडी, लाइक सो। ओके जी, अब आपको बताते हैं कि रीपोटिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। ये बड़े वाला पॉट लिया हमने, इस तरह से थोड़ा सा हमने नीचे जो है अपना पोटिंग मिक्स डाला है, ठीक है। और इस तरह से ये हम प्लांट अपना जो है वो दूसरे वाले वो से निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो है ना नीचे से खोल लेंगे इसकी जड़ें, ताकि थोड़ी सी ना, और साइडों पे ये जो पोटिंग मिक्स है इसको हम डाल देंगे। और इस तरह से, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट करते हैं। और ये देखें ये सारे हमने कर लिए हैं, ये देखें बस एक रह गया, उसके बाद हम हैंग करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं हमारे DIY जो है वो फ्लावर पॉट हैंगिंग स्टैंड की, ठीक है जी। हमारा जो है ये फ्लावर हैंगिंग का जो था वो डन हो गया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। सो व्हाट यू थिंक गाइस, लेट मी नो इन कमेंट्स। तो ये देखें जी, ये थोड़ा सा आपको यूँ टेढ़ा लगेगा क्योंकि ज़मीन भी थोड़ी स्लोप पे है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा वो है, अदरवाइज इट्स लुक वेरी 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 प्रिटी। तो ये इस तरफ से नज़र आ रहा है, अब साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, मतलब कि चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको एक ही इसका वो होगा। ये अभी हमने नया लगाया है, इसके अंदर अभी फूल वगैरह नहीं आए, तो आ जाएंगे होपफुली। तो ये इस तरह से, तो अब इनको अच्छे से हमने पानी देना है। और ये तो ये रहा हमारा DIY प्लांट हैंगिंग, फ्लावर प्लांट हैंगिंग। तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वाला जो है वो कैसा लगा है, और मज़ीद आपको इस किस्म के आइडियाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सारी जो सप्लाईज़ है वो आपको मैंने बता दिया है, और ये आपको बनिंग से मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो आप घर पे इस तरह से बना सकते हैं। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं मज़े मज़े की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।